आज की हमारी पहली कंपनी न्यू लाइन लेबोरेटरीज लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा 7,134 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाले डिविडेंड 14 रुपीज़, जिसकी एक्सडेट 12 जुलाई है, रिकॉर्डेड 12 जुलाई है। और हमारी अगली कंपनी नोवारटीज लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा 1,066 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली डिविडेंड 25 रुपीज़, जिसकी एक्सडेट 23 जुलाई है, रिकॉर्डेड 23 जुलाई है। और हमारी अगली कंपनी सिप्ला लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा 1,339 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली डिविडेंड 13 रुपीज़, जिसकी एक्सडेट 13 अगस्त है और रिकॉर्डेड 13 अगस्त है। और हमारी अगली कंपनी कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा है 410 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली डिविडेंड 1 रुपीज़ 20 फेल्स, जिसकी एक्सडेट अपकमिंग है और रिकॉर्डेड अपकमिंग है। और हमारी अगली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा है 1,300। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली डिविडेंड 18 रुपीज़, जिसकी एक्सटेड अपकमिंग है और रिकॉर्डेड अपकमिंग है। और हमारी अगली कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा 1,046 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली डिविडेंड 3 रुपीज़ और स्पेशल डिविडेंड 3 रुपीज़, जिसकी एक्सटेड अपकमिंग है और रिकॉर्डेड अपकमिंग है। और हमारी अगली कंपनी पॉलीकैप इंडिया लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा है 6,153 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली डिविडेंड 30 रुपीज़, जिसकी एक्सटेड अपकमिंग है और रिकॉर्डेड अपकमिंग है। और हमारी अगली कंपनी होंडा लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा है 2,393 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली बोर्ड मीटिंग 20 मई को, पर्पस रहने वाला है डिविडेंड प्लस रिजल्ट। और हमारी अगली कंपनी वेंकीस लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा है 1,769 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली डिविडेंड 7 रुपीज़, जिसकी एक्सटेड अपकमिंग है और रिकॉर्डेड अपकमिंग है। और हमारी अगली कंपनी केयर रेटिंग्स लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा है 1,092 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली डिविडेंड 11 रुपीज़, जिसकी एक्सटेड 21 जून है, रिकॉर्डेड 21 जून है। और हमारी अगली कंपनी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा है 991 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली डिविडेंड 10 रुपीज़, जिसकी एक्सटेड 23 मई है और रिकॉर्डेड 23 मई है। और हमारी आखिरी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, कंपनी का कर्पा चल रहा है 919 रुपीज़। कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है बोर्ड मीटिंग 20 मई को, पर्पस रहने वाला है डिविडेंड प्लस रिजल्ट। Thank you.